आज हम लोग जा रहे हैं हिल जात्रा मेला देखने के लिए और यकीन माता जो भी माता है बहन है जो भी हमारे बुजुर्ग हमारे गाइज गुड मॉर्निंग, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी ऑफ जीरो टू व्लॉग्स में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ दुरुस्त होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त हैं। तो गाइज आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज है पिथौरागढ़ में कुछ स्पेशल फेस्टिवल जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं और ये त्यौहार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। डरावना क्यों ये आपको वीडियो देखते देखते पता लगेगा, तो वीडियो देखते रहिए और पूरा देखिए तभी आपको पता लगेगा। धूप में हम लोग जा रहे हैं हिल यात्रा मेला देखने, अकेले अकेले नहीं जा रहे हैं, दीदी लोग दीदी की फैमिली भी है तो सब लोग इकट्ठे जाएंगे। पहले जा रहे हैं दीदी लोग के यहाँ और रास्ता आप लोगों को बताइए, हमारा एक कॉमन रास्ता है रोज का, घास के बीचों बीच जा रहे हैं हम लोग। गाइस इस त्योहार का नाम है हिल यात्रा जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव में पिछले 500 सालों से मनाया जा रहा है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। तो गाइस पीयूष और मैं निकल गए हैं कुमौड़ को और मौसम देखिए काफी धूप है लेकिन मौसम काफी साफ भी है और देखते हैं कुमौड़ में अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से फिर स्नेहा लोग को फोन करेंगे और फिर उनको भी बुलाएंगे। दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग आ गए हैं हिल यात्रा ग्राउंड के पास में और धीरे धीरे देखिए भीड़ आनी शुरू हो गई है और कुछ ही देर में ये सारे छत और ये जगह पूरी भर जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हिल यात्रा मेला देखने के लिए और कैमरा भी है राखी के हाथ में क्योंकि माही और पीयूष चले गए हैं आगे और दीदी में राखी भी जा रहे हैं, तो अभी हम लोग है पुलिस लाइन में ही है कूड़ेदान के सामने। तो हिल यात्रा जो है बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है, हिल जिसका मतलब है कीचड़ में या फिर दलदल वाली जगह में और यात्रा यात्रा का मतलब है यात्रा, इसका पूरा मतलब बनता है कीचड़ में या फिर दलदल में मनाई जाने वाली यात्रा या फिर खेलकूद। घुड़सवार का आगमन, घुड़सवार पैदान कर और ये भी देवता का ही वो रूप है, ये देवगण है हमारे, क्योंकि जहाँ सुधी है तो वहाँ कण है और उन्हीं कणों ने ये किरदार अपना अपना अभिनय निभा रहे हैं और आस्था की प्रतीक हमारी माता बहन की आस्था की प्रतीक है ये सब देवगण। तो इनकी पूजा अर्चना की जा रही है, सुख शांति की कामना की जा रही है और यकीन माता जो भी माता है बहन है जो भी हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी हमारे प्यारे बच्चे जो जिस मनोभाव से आए हैं जिस कामना को लेकर आए हैं कि हमें सुख समृद्धि मिले हमारा जीवन सुखमय हो, तो आज लटेश्वर महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। हिमालय से अपना स्वांग रचकर वो दृश्य इस मैदान पर दिखा रहे हैं और साथ में तो जैसा कि मैंने पढ़ा है कई साल पहले कुमौड़ के 4 मेहर भाई नेपाल की इंद्र यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे और मेहर भाइयों की वीरता को देखकर नेपाल नरेश ने उनको मुखौटे भेंट दिए और उन्हीं 4 भाइयों ने पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में हिल यात्रा का प्रारंभ किया। भले ही मेहर भाइयों ने इस त्योहार की शुरुआत ऐसे की हो लेकिन धीरे धीरे इस त्योहार को कृषि से संबंधित बना दिया गया, कृषि से जोड़ दिया गया और जो गौरा महेश्वर पर्व होता है 8-7 8 दिन के बाद इस त्योहार को मनाया जाता है जिसमें मुखौटों और अलग अलग प्रकार की वेशभूषा में कई प्रकार के चरित्रों को दर्शाया जाता है, जैसे 2 बैलों की जोड़ी, हलिया और धान की रोपाई करती हुई महिलाएं और मुख्य रूप से लख्याभूत को दर्शाया जाता है। और समझिए
जिसको ये बिच्छू घास लगता है उसका रोग भी दूर हो जाता है, इसके जरिए नहीं बिच्छू घास से फल और फूलों का रोग हो चुका है और बुद्ध फिर से भगवान का राखे ने सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी हैं और बड़े प्रसिद्ध है अपनी मेरी भाषा के लिए। मैं चाहूंगा डरावनी आकृति के बावजूद आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना रहता है और लख्याभूत को जो है भगवान शिव के प्रमुख गण वीरभद्र का अवतार माना जाता है। वीरभद्र जो था वो स्वभाव से काफी गुस्सैल था और यही कारण है कि लख्याभूत को भी जंजीरों और बेड़ियों के साथ बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ लोग अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं वहीं शोर घाटी पिथौरागढ़ के लोग अपने 500 साल पुराने इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक तरफ महिलाएं सज धज कर आभूषणों और गहनों को पहनकर इस मेले को देखने पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ
छोटे छोटे बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, इसमें से कुछ जानकारी ऐसी है जो मैंने पढ़ी हुई है और कुछ ऐसी है जो मैंने अनुभव की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सालों से देखते हुए आ रही हूँ इस त्यौहार को। तो अगर इसमें से कोई भी जानकारी आप लोगों को लगे कि गलत है या फिर मैंने कुछ भी मिसलीड किया हो तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट करें। और बाकी आप लोग गूगल में इस त्यौहार के बारे में देख सकते हैं, बहुत सारी विस्तृत जानकारी आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। तो और नेपाल में भी जो इंद्र यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, तो उन्हें लगे उन चार भाइयों ने देखा कि बड़ा सुंदर आगे ये है, तो वहां के राजा जब इन चारों की वीरता से प्रसन्न हुए कि राजेश्वर महाराज की वापसी क्यों मेरा आएंगे। ये थी हिल यात्रा की कुछ संक्षिप्त जानकारी। और हिल यात्रा का जो मेला है वो अभी कुमौर तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये पिथौरागढ़ के अलग अलग गांवों में मनाया जाता है अभी, और दो तीन दिन पहले ही इसको रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में मनाया गया था। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी हिल यात्रा की वो कुमौर से ही हुई थी, और अभी भी सबसे ज्यादा भीड़ कुमौर में इकट्ठा होती है इस मेले को देखने के लिए। तो हमारे द्वारा दी गई इस त्यौहार की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सांस्कृतिक त्यौहार हमें शेयर करना चाहिए, इसके बारे में और भी लोगों को बताना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों ने। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रणाम, बाय बाय।